दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, प्लाजो, कुर्ते, वो भी नए नए डिजाइन में, एक बार अवश्य बताएं। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह, एक बार अवश्य पधारें। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। आइए नजर डालते हैं दमोह जिले की बड़ी खबरों में। मतगणना में लगे अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी, एजेंट आदि के लिए मतगणना के दौरान यातायात व्यवस्था की जानकारी मतगणना 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में की जाएगी। दमोह जिले का तापमान रविवार के दिन 42.5 डिग्री अधिकतम दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया। दमोह जिले के हटा दमोह मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, डंगानलिया पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो कार, खेत में पहुंची भारत सरकार की प्लेट भी लगी। जानकारी के अनुसार शिव कुमार रैकवार 32 वर्षीय निवासी पाटन एवं प्रीतम रैकवार 26 वर्षीय निवासी कंदरा घायल हुए हैं। दोनों घायल आपस में जीजा साले बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दमोह जिले के सुप्रसिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में जैन धर्म के 14वें तीर्थगण भगवान श्री अनंतनाथ जी का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव 3 जून को पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चतुर्विद संघ के सानिध्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रातः पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा पूजन विधान होगा, श्री जी का पालना झुलाया जाएगा, आचार्य श्री की पूजन एवं मुनिसंघ आरेखा संघ की आहारचर्या होगी। सायंकाल भक्तांबा दीप अर्चना एवं पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती भी होगी। शहर के CSP निवास पर चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर सपरिवार पहुँचे, जहां कथा प्रवक्ता पूज्य दिव्या जी के मुखारविंद से सुनाई जा रही है। कथा व्यास पीठ पर कलेक्टर ने सपरिवार पहुंचकर दर्शन कर कथा प्रवक्ता जी का आशीर्वाद लिया और श्रोता बनकर कथा सुनी। जल है तो कल है, दमोह पर्यावरण एवं समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए जिला अस्पताल दमोह के डॉक्टर व स्टाफ ने रविवार को सुबह शहर के सबसे बड़े फुटीरा तालाब में श्रमदान किया है। सिविल अस्पताल डॉक्टर राजेश नामदेव के नेतृत्व में सभी डॉक्टर और स्टाफ ने तालाब में उतरकर एक घाट को पूरी तरह साफ करके ही बाहर निकला। स्टाफ लगभग 20 लोगों की टीम ने 2 घंटे में मेहनत करने के बाद की यहाँ की साफ सफाई। दमोह जिले के गैसावा थाना क्षेत्र के बड़ी मोहरई गांव में घरेलू विवाद में पुत्र ने माता पिता और दादी पर किया हमला, खुद भी हुआ घायल। 4 सिविल अस्पताल हटा में भर्ती, इलाज जारी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दमोह जिले के मड़ियादो थाना क्षेत्र के पाली गांव में कमता निवासी व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में सम्मिलने का मामला, देर रात शव हटा सिविल अस्पताल भेजा गया। मड़ियादो और गैसावा थाना पुलिस जांच कर रही है। दमोह जिले के दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे में अवाना में एक घर के बाहर खड़ी कार में लगी आग, अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगाए जाने की आशंका, पूर्व में भी आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।